19 वर्षों तक अध्यापक ने बच्चों को बिना आवाज के ही शिक्षित किया। जिस भी कक्षा के छात्रों को पढ़ाया उनके नतीजे भी बेहतर निकले। अब 19 साल बीत जाने के बाद उस अध्यापक की आवाज अपने आप ही लौट आई। इसे चमत्कार कहें या कुछ और, अब वो शिक्षक बोलकर भी बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। पामता साइव क्षेत्र के गांव कोटड़ी व्यास के गोपाल चंद टोकियो स्कूल में भाषा अध्यापक के तौर पर तैनात हैं। करीब 19 वर्ष पहले गोपाल चंद की अचानक ही आवाज चली गई। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ तक उपचार करवाया लेकिन चिकित्सक ने कहा कि कोई बीमारी नहीं है। इस प्रकार एक तरह से मौन रहकर उक्त शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने का कार्य बखूबी किया। अब शिक्षक के मुताबिक एक चमत्कार ही है कि ईश्वरीय कृपा से अपने आप ही इतने वर्षों बाद कुछ माह पूर्व उनकी आवाज लौट आई। अब वह अच्छी तरह से बोल सकते हैं और बच्चों को पहले से अधिक अच्छी तरह समझा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो ब्लैक बोर्ड व कागज पर लिखकर बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक की खुशी इस बात की है कि उसके साथ चमत्कार हो गया है। अब बच्चों को समझाने के लिए पहले से कम मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि बोल न पाने की वजह से बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं रही और उनका परीक्षा परिणाम 80% से ऊपर ही रहा, लेकिन अब उनकी आवाज़ आने से बच्चों में भी खुशी है। स्कूल के मुख्य शिक्षक देवेंद्र सिंह ने बताया कि भाषा अध्यापक गोपाल पढ़ाने में बेहद ही निपुण है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये स्कूल ज्वाइन किया तो देखा कि गोपाल बोल नहीं पाते हैं, पर बच्चों को पढ़ाने में बखूबी कामयाब हैं। उन्होंने भी इस बात पर हैरानी जताई कि अचानक ही शिक्षक की आवाज लौट आई। उन्होंने इसे स्कूल और छात्रों के लिए बेहद सुखद बताया है। अपने आप ही एकदम गई थी आवाज मेरी, जैसे मैं रात को सोया सवेरे मेरी आवाज ही नहीं आई थी। ये कोई 18-19 साल पहले की बात है। उस टाइम मैं शिवपुर स्कूल में था। मेडिकल मैंने पीजीआई से भी लिया ट्रीटमेंट, और भी कई जगह दिखाया, लेकिन उन्होंने यही कहा था कभी न कभी आवाज तो आ सकती है लेकिन बीमारी भी कोई नहीं है। कि मैंने नाहन भी दिखाया, नाहन से फिर पीजीआई भी गया हूँ मैं। उन्होंने भी कहा भाई बीमारी तो कोई नहीं है लेकिन आवाज आपकी कभी पता नहीं टाइम लग सकता है, कब आएगी ये कुछ नहीं कह सकते हम इसके बारे में। स्कूल में मैं लिख करके पढ़ाता था सबको, जो भी काम करना मेरा रिटर्न वर्क था, कॉपी रखता था मैं साथ में, पेन रखना मैंने साथ में। कई बार तो मेरी एक दिन में एक कॉपी भी लग जाती थी, पेन कॉपी मैं अपने साथ ही रखता था 24 घंटे जब भी है। घर में भी यही काम था मेरा, स्कूल में भी जो पढ़ाना मैंने लिख के ही पढ़ाना ब्लैक बोर्ड की सहायता से। पढ़ाई पे तो मेरे ख्याल अच्छे ही रहा जी, मेरा शुरू से ही था, मेरा तो कभी 90% 94% रहे मेरे 8वीं के भी और 10th के बोर्ड के रिजल्ट भी, मतलब 80% मेरा ऊपरी रिजल्ट रहता, कभी कम नहीं रिजल्ट आया। और मैं थोड़ा मुझे डर भी था कहीं मेरी नौकरी ना चले जाए, तो उसके बाद मैंने दिन मतलब बच्चों के साथ ही लगा रहता था मैं पढ़ाने के लिए। मैं टीचरों के बहुत कम बैठता था, क्लास में लगा रहना मैंने, 150-150 क्लास होती थी शिवपुर स्कूल में, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने। उसके बाद फिर मैं जो है यहाँ आ गया था 2007 में। यहाँ के मुझे डर था भाई बोलने वाले ना बोलने वाले टीचर को पता नहीं पसंद करें लोग या ना करें, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो मुझे बहुत पहले भी आई है फिर यहाँ, लेकिन बच्चों ने जो है मुझे बड़ा साथ दिया। यहाँ शिवपुर में मेरा बड़ा अच्छा साथ रहा बच्चों का, जो मैं बताता था बच्चे कर लेते थे काम। गोपाल जी एक भाषा अध्यापक हैं जो यहाँ पर लगभग वर्ष 2008 में इस पाठशाला में आए, तो जैसे मुझे पता चला है कि ये पहले भी बोलने में असमर्थ थे, परंतु एक अच्छे टीचर थे, अपने सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, और पेपर पर लिखे बच्चों को ये जो उनकी समस्या है उसका समाधान करते थे। मैं इस पाठशाला में राजकीय हाई स्कूल ये गवर्नमेंट हाई स्कूल टोक्यो में 2017 में ज्वाइन किया एज ए हेड। जैसे ही स्कूल अपग्रेड हुआ तो मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर, तो उस टाइम मैंने इस गोपाल जी की कार्यप्रणाली को देखा, बहुत अच्छी थी। जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि ये वर्बली नहीं बोल पढ़ा सकते, तो मैंने इनको खुद जाके नोट किया, क्लास में जाकर देखा कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और कॉपी के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे। तो मुझे भी इस तरीके से इस स्थिति में देखकर इनको बड़ा अचंभा हुआ, परंतु जो इनका पढ़ाने का तरीका था बहुत ही अच्छा था। अचानक अभी कोई 6 महीने से पहले इनका एकदम से सरप्राइज हुआ कि इनकी जो बोलने की पावर क्षमता एकदम अचानक आ गई और ये पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ गए, एकदम बोलने लगे। तो मुझे इसको देखकर बहुत खुशी हुई कि अब ये बच्चों को क्लास में वर्बली पढ़ाते हैं
और जो ब्लैक बोर्ड है वो तो चलता ही है, परंतु जो पहले इनका कागज पर लिखने का तरीका था वो अब समाप्त हो गया, अब वर्बली ही बच्चों को ये पढ़ाते। पर मैं लगा रहता था मेरा रिजल्ट कभी डाउन ना जाए, ड्यूटी मैंने सारी की, एग्जाम में ड्यूटी देनी वो भी मैं देता था, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई मुझे। पर यहाँ आके मैंने एक नई बात सीखी, पहले मैं कॉपी और पेन खरीदता था तो यहाँ के बच्चों से जो भी पेज फट जाता था वो मेरे मुझे दे देते थे कि हमारे टीचर इसमें लिख के हमें बताएंगे। तो यहाँ आकर के मैंने ये सीखा है कि मेरी जो कॉपी खरीदने का था वो मेरा खर्चा कम हो गया, बस पेन ही पेन मैंने खरीदना होता था। उसके बाद मैं जैसे 3 बजे यहाँ से स्कूल से जाता था, फिर मैंने एक लड़की देखी, इसमें DAV से थी, वो अखबार में नाम आया उसका मिसरवाड़ा, मैं पूछता देखता चला गया किसकी लड़की आई, मोहम्मदन की परिवार से थी वो। उसको फिर मैंने 3.5 साल गाइड किया, MBBS करी उसने शिमला से, 3 साल लगे उसको, 3रे साल जो मेरिट में आई है, फिर आजकल वो राजपुरा में लगी हुई है MBBS डॉक्टर। वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट को 3 बजे के बाद जाके घर घर जाकर उनको गाइड करता था, तो किसी ने क्या करना है, प्लस टू के बाद क्या करना है या 10th के बाद क्या करना है, तो उनको घर जाके, अब भी मेरा यही काम है कि 3 बजे के बाद चल पड़ता हूँ स्टूडेंट्स के घर में उनको गाइड करने के लिए। मैं इसलिए करता हूँ गाइड क्योंकि अगर मुझे भी कोई गाइड करने वाला होता तो मैं आज एक छोटा सा टीचर ना होता, कहीं इंजीनियर लगा होता। तो ये सोच करके मैंने जो है अब भी यही सोचा कि रिटायर होकर के मैं जो है बस स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा जहाँ मुझे स्कूलों में टाइम मिलेगा, 10th को, +1 और +2 को। बस ये तो ईश्वरीय कृपा है जी बस। और मुझे पता नहीं लगा कब आ गई आवाज, जब बोलने भी लगा तब भी मुझे बड़ी झिझक सी होती थी भाई मेरी आवाज आ गई है या नहीं आ गई है, लेकिन आस्ते आस्ते पहले थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हुई, फिर आस्ते आस्ते आवाज आ गई। बल्कि कई बार तो हमारे ड्राइंग टीचर थे ये भी देखने लगे थे कि आप बोल करके पढ़ाने लग गए हैं, तो मैं कहा मैडम मुझे खुद ही नहीं पता अभी कब कैसे आई है आवाज, क्या हुआ, गया क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।